नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एपी बायोफ्लॉक फिश फार्म के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने सिंगी मछली का ग्रोथ दिखाने वाला हूं और प्रॉपर ये वीडियो सिंगी मछली के कल्चर के ऊपर बनाया गया है। सिंगी मछली के साथ में मैं थोड़े से और भी दूसरे मछलियों का कंपेरिजन करने वाला हूं कि आपको जो भी न्यू फार्मर्स हैं वो सबसे ज़्यादा पैसा किस मछली से कमा सकते हैं, किस सीजन में मछली आपको स्टोर करना चाहिए। आप बायोफ्लॉक टैंक कर रहे हो या पॉन्ड फार्मिंग कर रहे हो या किसी भी तरीके से मछली पालन कर रहे हो तो कितना जल्दी प्रॉफिट होगा, किस जगह पे प्रॉफिट होगा, कौन सा बच्चा कितने में मिलता है, कितना फीडिंग कॉस्ट आता है, ये सब चीज़ें मैं आपको गाइड करने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि लोग बीच में वीडियो छोड़ देते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अंत तक बनने के बाद ना डेफिनेटली अगर जो न्यू फार्मर्स फार्मिंग करना चाह रहे हैं या जो फार्मिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि सर हम लोग मछली पालन कर रहे हैं तो पैसा हमारे पास में आना चाहिए, ना कि मछली पालन करके अभी हम लोग लॉस में जाए। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सिंगी मछली के कल्चर के बारे में। सिंगी मछली का कल्चर देखा जाए तो आज के समय में बहुत ही बेटर बिजनेस है आपको बायोफ्लॉक टैंक में कल्चर करने के लिए। पॉन्ड में बायोफ्लॉक टैंक और पॉन्ड में डिफ्रेंशिएट इसलिए कर रहा हूँ मैं बार बार, क्यों बायोफ्लॉक टैंक में आप इजी वे में मछली पालन कर लेते हैं सिंगी मछली का और इजीली कल्चर कर सकते हैं, लेकिन पोखर में करते हैं तो ये कीचड़ में मछली जाकर बैठ जाता है और पूरा का पूरा कल्चर जो है कीचड़ में ही ख़त्म करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अगर मैं सिंगी मछली की बात करता हूँ तो अगर मैं कॉस्टिंग निकालता हूँ तो अगर आपका 4 डायमीटर का टैंक है, अगर आपके पास में 10,000 लीटर का हो या 15,000 लीटर का टैंक कैपेसिटी है दोस्तों, उसमें जो सीड स्टॉक करते हैं तो अमूमन 2 रुपये से लेकर के 2.5 रुपये तक का सीड आता है। जो लोग आपको 3-4 रुपये का सीड दे रहे हो बहुत ही ज़्यादा लेते हैं, उतना पैसा नहीं लगता है। 2 से 2.25 रुपये 2.5 रुपये मैक्सिमम सीड का कॉस्ट आता है दोस्तों। अगर आप 5,000 भी सीड स्टॉकिंग कर रहे हैं अपने बायोफ्लॉक टैंक में, अगर मैं 2 रुपये भी पकड़ता हूँ सीड का कॉस्ट, तो दोस्तों 10,000 रुपये का सीड होता है और 10 से 12,000 रुपये का फीडिंग कॉस्ट जाता है टोटल कल्चर में। मतलब 5 से 6 बोरा में आप बढ़िया सा 4 डायमीटर के टैंक में कल्चर कर सकते हैं। अगर मैं दोनों के कॉस्ट की बात कर रहा हूँ कि सीड और फीड का, तो 10,000 का सीड और लगभग 12,000 का फीड, मतलब 22,000 के आपके खर्चे में आप सिंगी मछली का कल्चर कर रहे हो दोस्तों। अगर आप 250 किलो भी मछली सिंगी का कल्चर कर लेते हैं एक बायोफ्लॉक टैंक से दोस्तों, तो आप अगर सेल आउट कीजिएगा सिंगी मछली तो कम से कम जो कीमत मार्केट में अभी के समय में है सिंगी मछली का 300 रुपये केजी है। अगर 300 रुपये भी सेल आउट कर रहे हैं दोस्तों, 2.5 क्विंटल का दाम अगर जोड़िएगा तो लगभग 70 से 75 हज़ार के नियर बाई में आप सेल आउट करते हैं मछली को। अगर एग्जांपल से 70,000 रुपये में भी अगर आप सेलिंग कर रहे हैं पूरे मछली को दोस्तों, और उसमें से अगर 22,000 माइनस भी कर रहे हैं तो फिर भी आपके पास में लगभग 48,000 रुपीज़ नियर बाई बचता है दोस्तों। और 8 महीने में अगर 7 से 8 महीने अमूमन होता है अगर कल्चर में पैसा बचा रहे हैं तो दूसरे मछली की अपेक्षा बहुत ही बढ़िया पैसा बचा लेते हैं सिंगी मछली का। मैं सिंगी मछली के कल्चर पर इसलिए ज़्यादा फोकस करने की बात करता हूँ क्योंकि सिंगी मछली के कल्चर में सेलिंग में प्रॉब्लम नहीं है, और जो भी नए फार्मर्स अगर फार्मिंग कर रहे हैं और 2 पैसा उनको बचेगा नहीं दोस्तों तो क्यों फार्मिंग करेंगे आप। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा सीडिंग का कॉस्ट और फीडिंग का कॉस्ट सिंगी मछली में बहुत ही कम आता है दोस्तों, और इसलिए मैं कोशिश हमेशा कर रहा हूँ नए फार्मर्स को बताने के लिए कि कम से कम 2-4 टैंक सिंगी कल्चर कीजिए। आप एक कल्चर कीजिए, कल्चर करने के बाद में अगर आपको मार्केट में प्रॉब्लम आ रहा है मछली बेचने में दोस्तों, तो आप मेरे दिए नंबर पर फ़ोन कीजिए, मैं आपका सिंगी मछली पिक कर लूँगा आपके यहाँ से, चाहे 5 क्विंटल हो चाहे 10 क्विंटल हो चाहे 15 क्विंटल हो, सिंगी मछली मैं आपसे ले लूँगा, मार्केट में सेल आउट हो जाएगा, उसका कोई भी परेशानी होने की बात नहीं है। इसलिए दोस्तों आज के समय में जो हम लोग सीड सप्लाई कर रहे हैं सिंगी मछली का, आपको 2 रुपये से लेकर 2.25 रुपये का सीड मिलेगा, फीडिंग कॉस्ट आपको पता है, और गारंटी दे रहा हूँ मैं दोस्तों कि आप सिंगी मछली का कल्चर करने के बाद में खुश हो जाइएगा क्योंकि आपको प्रॉफिट 199% आपके पास सिंगी सेल आउट करके होगा दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि मैं चीज़ें जो बता रहा हूँ आपको समझे, क्योंकि नए फार्मर जो फार्मिंग करते हैं वो बह जाते हैं, उनको सही रेट मार्केट में मिलता नहीं है, सही तरीके से मछली सेल आउट कर नहीं पाते हैं। तो दिक्कत क्या होता है दोस्तों, दिक्कत सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है मछली में पैसा कमाने में। 90 रुपये 80 रुपये 100 रुपये के जी आप जासर मछली को बेचते हो मार्केट में, 10,000-12,000 रुपये का इनकम करते हैं, तो दोस्तों इससे प्रॉफिट आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए हाई वैल्यू कल्चर करने का, अच्छी मछली कल्चर कीजिए और सिंगी इसमें बेटर है दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जो भी नया फार्मर है इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि मेरे अपडेट्स आप तक तो पहुंचते रहे दोस्तों। आप भारत के किसी भी कोने से हैं आप मुझे कॉल कीजिए, समझ में आ रहा है तो आप मुझसे राय विचार ले सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।